हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्नेहा होम किचन। मैं आज आपके साथ आटे की बहुत ही परफेक्ट और क्रीमी टेस्टी सी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम बहुत ही परफेक्ट सी बर्फ़ी बनाएंगे, तो बिना वक्त गवाए चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट से बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आधा कप वाला जो मेजर वाला कप होता है उसे मैंने हाफ कप में घी लिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैंने घी डाल दिया है। फ्रेंड्स, जब ये जमा हुआ होता है तो ये हाफ कप है, लेकिन पिघलने पर ये पूरा आधा कप हो जाएगा। फ्रेंड्स, हल्का सा घी को हम गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी मैं गेहूं का आटा। हाँ फ्रेंड्स, गेहूं का आटा जैसे कि मैंने 2 से 3 बार एकदम बारीक कपड़े से, मतलब मैंने मेरी दुपट्टे से अच्छे से इसे बारीक छान लिया है। आप भी इसी तरह से छान लीजिएगा आटे को तो अच्छा होगा। अच्छे से इसे हम घी में मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, जब हम इसे घी में मिक्स करते हैं तो घी कम लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे इस तरह से सेकते रहेंगे तो फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक सिकने के बाद घी छोड़ने लगेगा। इसलिए अब हमें इसे कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है। पूरा वीडियो देखने के लिए और सही तरीके से बर्फी बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको लास्ट तक ज़रूर बने रहना होगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो जो बीच में छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती है इसे भी आप स्किप कर दोगे, फिर आपकी बर्फी अच्छी नहीं बनेगी, फिर आप हमारे से शिकायत करोगे। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को देखो तो फुल वॉच करो, इसे कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। फ्रेंड्स, इसका हमें कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, हमें नॉर्मली जो इसका रो फ्लेवर होता है बस इतना ही इसे हमें रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा भी इसे हमें कलर नहीं चेंज करना है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक बात बताई है कि आप गेहूं का आटा लीजिए, लेकिन गेहूं के आटे को बारीक कपड़े से 3 से 4 बार छान लीजिएगा, या फिर आप चाहो तो मैदे से भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप आटे से बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैदा नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप आटे से भी बनाते हो तो भी इसी प्रोसेस से बनाइए, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बर्फी बनकर रेडी होगी। हाथ को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि जो आटा है वो नीचे से जले ना और चिपके ना और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। इसी तरह से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये रोस्ट होते जा रहा है वैसे वैसे ही इसकी मॉइस्चर बढ़ते जा रही है, मतलब कि घी को छोड़ने लगा है थोड़ा थोड़ा। इस तरीके से फ्रेंड्स ये जब पूरी तरह से रोस्ट हो जाएगा तो ये पूरी तरीके से घी को अच्छे से छोड़ देगा। अभी मुझे इसे रोस्ट करते हुए सिर्फ 2 से 2.5 मिनट हुए हैं और ये थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना स्टार्ट हो गया है। अब इसे हम कंटिन्यू इसी तरह के से चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ख़ासकर छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, और एक पॉजिटिव कमेंट छोड़ना तो बनता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे को लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और आप हमारे आटे की कंसिस्टेंसी देख सकते हो। इसी तरीके से इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हल्की हल्की सी आरोमा आने लगी है, मतलब कि बहुत ही अच्छे सी खुशबू आने लगी है, मतलब कि जो आटा है वो सिक कर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है और मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी यहाँ पर एक छोटी चम्मच घी। जी हाँ, मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच घी एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ ऊपर से, और इसे अब हम बहुत अच्छी तरीके से मिला देंगे। देखिए इस तरह से हमारी बहुत ही क्रीमी सी टेस्टी सी बर्फी बनकर रेडी होगी। फ्रेंड्स, इसे हम जब इस तरह से सेक लेंगे, रोस्ट कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी सी बनकर बर्फी रेडी होगी, मतलब
बिल्कुल भी इसमें आटे का स्वाद नहीं आएगा, कोई नहीं बता सकता कि इसमें ये आटे की बनी है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आप चाहे तो लो फ्लेम पर थोड़ी देर ज़्यादा इसे सेक सकते हो, रोस्ट कर सकते हो, लेकिन कम हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए ये बहुत अच्छे से सिक चुका है, तब हमें क्या करना है, अब इसे हम गैस का फ्लेम ऑफ, बर्फी के लिए यही कंसिस्टेंसी चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो आप ज़्यादा आटा यूज़ कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमने 250 ग्राम आटा लिया था, 125 ml का हमारा कप था जो थोड़ा सा खाली था, मैंने 1 चम्मच बाद में डाला है, मतलब 125 ग्राम हमने घी लिया है। और फ्रेंड्स ये मेरा 250 ग्राम का कप है जिससे कि मैंने इतना सा खाली रखा है, मतलब कि 200 ग्राम हमने शक्कर ले ली है। इसे भी हम बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। फ्लेवर के लिए आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, इलायची वगैरह, लेकिन मेरे घर में पसंद नहीं की जाती है इलायची, इसलिए मैंने नहीं लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। मैंने हल्का सा गैस को फिर से चालू कर दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था ये ज़्यादा ठंडी हो गई है, इसे हमने चालू कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तब तक, जब तक कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाए, फिर इसे हम बहुत अच्छे से जमा देंगे। इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, ये खाने में तो टेस्टी लगती है, दिखने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहो तो मेहमान वगैरह आने पर भी इसे बनाकर सर्व कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने एक ट्रे ले ली है और इस पर हम अच्छे से घी को सेपरेट कर देंगे। आप चाहो तो इस पर इको बैग भी लगा सकते हो, मेरे पास नहीं अवेलेबल था, मैंने इस पर घी लगा दिया है, आप 3 सेट भी ले सकते हो। अब इससे हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल देंगे। मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लिया है, मैंने हल्का सा इसे ठंडा कर लिया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चटका लगने वाला गर्म नहीं रखा है जिससे कि गर्म लगे। से हम गरम गरम को ही इसमें बहुत अच्छे से जमा देंगे। इस तरह से बर्फी को हमने ट्रे में सेट कर दी है, अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बैटर बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो चलिए इसे अब हम कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ट्रे में कट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ट्रे के किनारे थे जिससे कि नाइफ अच्छे से चल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इस तरह से एक एक पोर्शन को काट लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमारी बर्फ़ी कट रही है, आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी जमकर रेडी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारी बर्फ़ी काट लेते हैं। सारी बर्फ़ी कट कर रेडी हो गई हैं, अब इसे हम एक प्लेट में जमा देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, एक बर्फ़ी को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा इसका क्रीमी टेक्सचर है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।